हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि ये वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रही है, बिकॉज घर आते ही मैं सो गया और मेरी आंख लग गई थी। जस्ट उठा तो टाइम देखा काफी ज्यादा हो चुका है। एनीवे, आज के दिन हम इस वीडियो में चारों के चारों मेन लाइन आईपीओ जो होने वाले हमारे टाटा, गंदार, फेडवेक एंड फ्लेयर राइटिंग, उन सभी आईपीओ में मेरा क्या रहने वाला है पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी, इस आईपीओ में भी क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी निफ्टी को चेकआउट करेंगे, क्या रहते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि कल के दिन ही होने वाली है मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी। मंडे के दिन मार्केट बंद रहेगी, तो उस वजह से वो एक्सपायरी अब कल के दिन होने वाली है, तो उस पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 457 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 255 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर बाइंग साइड का है, बट इतना मेजर फिगर हमारे पास नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो सिंपली अगर मैं बोलूं सबसे पहले हमारे इंपोर्टेंट आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ की, ऑलरेडी काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन जा चुका है। अगर आप टोटल अमाउंट देखते हो तो एक कमेंट आप लोगों से चाहिए, क्या ये पैसा 1,00,000 करोड़ तक जा सकता है इस आईपीओ में, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। बट अगर मैं अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो इस आईपीओ में हमारा माइंडसेट पहले से ही क्लियर था कि मैं इस आईपीओ को शेयर होल्डर कैटेगरी में, जहां पर हम 1,95,000 तक के मैक्सिमम लोट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उसी के साथ साथ मैं इसको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। ये है इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन। ऑब्वियसली अगर मैं एम्प्लॉय होता तो यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी में भी इसे अप्लाई कर देता, बट मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर काफी कम लोग होंगे जो इसके एम्प्लॉय भी होंगे, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। बट इन दोनों कैटेगरीज में मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। ऑब्वियसली आप लोगों का माइंड भी इस आईपीओ में क्लियर होगा, तो अपना ओपिनियन लिखना कमेंट में मत भूलेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं सेकेंड आईपीओ की बात करूं, जो हमारे पास आ जाता है गंदार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ, इसमें भी हमारा माइंडसेट क्लियर था कि मैं इस आईपीओ को भी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन की, ऑलरेडी एक अच्छी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल चुकी है, बट जो भी कमी रह रही है थोड़ी बहुत क्वालिफाइड और एचएनआई में हल्की सी जो कमी दिखती है, वो हमें कल के दिन पूरी उम्मीद है कि जहां पर भी पूरी होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो दोनों ही आईपीओ को मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। बट रही बात जो अब आगे आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस आईपीओ में कंफ्यूज हो रहे होंगे हम सभी। बट अगर मैं इसमें अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूँ, तो एक ये ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, जहां पर ना रिटेल कैटेगरी में ना ही एचएनआई कैटेगरी में। अगर मैं काफी ज्यादा अग्रेसिव हूँ, बहुत ही ज्यादा हाईली अग्रेसिव होता और मेरे पास फंड भी होता, तो इसकी जगह पर मैं एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने का प्रोग्राम करता, और मैं इस आईपीओ को स्किप करके रोकिंग डीज का जो हमारा एसएमई आईपीओ, वहां पर मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करता। और उसी के साथ साथ मेनली फाइनल आईपीओ फ्लेयर राइटिंग आईपीओ, जो एक फिर से एक अच्छा आईपीओ आ जाता है अगर हम एज कम्पेयर टू बात करते हैं फेडबैंक आईपीओ के, तो यहाँ पर इस आईपीओ को भी मैं अप्लाई तो करने वाला हूँ, एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में ही, बिकॉज मेरे पास भी फंड की कमी हो जाएगी, तो जहां पर मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मेरे पास फंड भी है अच्छा खासा, और जहां पर मुझे सब्सक्रिप्शन मिनिमम टू मिनिमम 25x, और उसी के साथ साथ क्वालिफाइड में मिनिमम टू मिनिमम 25x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता, तो वहां पर मैं इसे जाकर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर देता। बट जब मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता, तो मेरा माइंडसेट ऑलरेडी हल्का सा, ज्यादा नहीं बट हल्का सा न्यूट्रल टू स्लाइटली अग्रेसिव मेरा नेचर वहां पर हो जाता। तो यही इन्हीं सभी चारों आईपीओ में मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन था। बट आप लोगों का क्या डिसीजन है किस किस आईपीओ में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं रोकिंग डील सर्कुलर इकोनॉमी आईपीओ के फाइनल डिसीजन की, देखो अगर मैं इसमें अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए 1.4 लाख की इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज मेरा काफी ज्यादा फंड इन दोनों आईपीओ में ब्लॉक हो जाएगा एचएनआई कैटेगरी में। बट अगर मेरे पास फंड होता, और जहां पर एचएनआई कैटेगरी में मुझे मिनिमम टू मिनिमम
120x का सब्सक्रिप्शन और उसी के साथ साथ क्वालिफाइड में मिनिमम टू मिनिमम 50 टू 60x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता, तो मैं इस आईपीओ को प्रॉपर लिस्टिंग गेन के ही प्रोस्पेक्टिव से अप्लाई करने का प्रोग्राम करता, बीइंग एन अग्रेसिव होकर, बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें हमेशा अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा हम एसएमई आईपीओ में हम डिफेंसिव होकर अप्लाई नहीं करते हैं, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट भी लगती है और रिस्क भी ज्यादा होता है। ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा तो होगा ही, इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है और इसी वजह से ये सिर्फ अग्रेसिव होकर ही हम अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं ना आज के टाइम पे, तो 40% के करीब का हमें देखने को मिल भी रहा है। बट इन सभी आईपीओ में ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था फॉर एजुकेशन पर्पस, जहां पर हमने सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो अपना पर्सनल डिसीजन बनाने से पहले। और उसी के साथ साथ आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को, अपने फंड्स को प्रॉपरली एलोकेट कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन लेना मत भूलिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की, सीधा चलते हैं, बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस बार भी हमारे डिजिटल सैटरडे स्कूल में, जहां पर हमारा मोटो होता है सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है जो रहने वाला है गेट ग्रंटेड इनकम फॉर लॉन्ग टर्म। ये इस सेशन का टॉपिक होने वाला है, जिसे लीड करेंगे दर्शन सासर, जो सीनियर रीजनल मैनेजर होने वाले हैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के ऑफ एनजे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आपको जस्ट एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन कर दिया, नेम और फोन नंबर भर के, और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस सेशन की टाइमिंग रहेगी 25th of November 6 to 7 PM, जहां पर ये पूरा का पूरा लाइव वेबिनार होने वाला है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमें हमेशा देखने को मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मोटो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है। और जब बात फाइनेंशियल लिटरेसी की आती है, जब बात सीखने की आती है, तो वहां पर मुद्दा व्यापार का नहीं बनता, तो इसकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की, अगर आप लोग आज की बात देखोगे, तो ऑब्वियसली एक जो बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन थी वो तो हमें नहीं मिली है, क्योंकि एट लास्ट में मार्केट ही भगवान है, हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। बट हमारी बात हुई थी कि 19,830 के ऊपर हमें मार्केट में ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, और वहां पर हमें हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पर ये गई। उसके बाद फिर से जहां पर हमें रिवर्सल होते हुए देखने को मिला, और जहां पर जो ये वाली कैंडल बनी थी, इसमें ही हमें जब ये नीचे गई एकदम से ऊपर को आई, और एक ट्रेड फिर से एक ट्रेड नीचे को, यानी कि 1, 2, 3, 4 ट्रेड हमें आज के पहले एक घंटे के अंदर अंदर मिल चुकी थी। उसके बाद ये फंस चुका था वही हमारी रेंज में 800 से 830 की, जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और जहां पर पूरा का पूरा ऑप्शन सेलिंग का काम हो रहा था। और ऐसे में हमें हमारा पैसा बचाना होता है, जब तक मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, तब तक के लिए हमें पंगे नहीं लेने चाहिए। और अगर हमने इस एरिया में काम करने की कोशिश करी होगी, तो हमें दिक्कत ज्यादा आई होगी, और यहीं पर ही हम ऑप्शन बाय फंस जाते हैं और हमारी काफी बड़ी अमाउंट रिस्क में आ जाती है। इसीलिए ही ऑप्शन बाइंग काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए ही ऑप्शन बाइंग मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नहीं करते तो मत कीजिए, बिकॉज आई नो कि सबको मालूम था कि मार्केट जहां पर फंस चुकी है, नहीं आएगी मूव, नहीं आएगी, बट फिर भी हमारे अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, बट हम वहां पर नहीं कर सकते, और जहां पर हमें मार्केट से साइड पे उठ के बैठना पड़ता है, और हम आते हैं वहां पर और लोट ऐड करते रहते हैं, और पैसा डालते रहते हैं, और ऐड करते रहते हैं, और ये लॉस ऐसे करते करते पूरा का पूरा हमारी कैपिटल को उड़ा जाता है। यही रियलिटी है, और इस पॉइंट को हमें समझना पड़ता है कि अगर मार्केट मौका दे रही है तो बेशक चौका मारो, बट नहीं दे रही तो शांति से बैठे रहो। और अगर बाय चांस आज के दिन मूव आ भी गया तो आ गया, एक दिन की ट्रेड छूट जाएगी, बस यही बात है। मौके हमें बार बार मिलते रहेंगे, बट ऐसे मौकों पे जहां पर हमारा माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर होगी, एक रेंज में बाउंड हो चुका है, तब के लिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और हमें वहां पर मार्केट से दूर होके बैठना पड़ेगा। यह रियलिटी है, इसी पॉइंट की अगर हमने समझ ले ली ऑप्शन बाइंग में, तभी फिर हम वहां पर जाकर एक कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कितने दिनों से मार्केट 17 तारीख से अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर की साइड 19,880, यानी कि अगर हम राउंडों में बोले तो 900 का लेवल, और नीचे की साइड ये वाला लेवल 19,680, राउंडों में 650 का मान सकते हो, कि जब तक ये मार्केट इस छोटी सी रेंज में फंसी हुई है, जस्ट 250 पॉइंट्स की भी रेंज नहीं है ये, जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है ना,
तब तक हमें मार्केट में बड़ी मूव मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है, बट जिस भी साइड जिस भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट होता है हमें उस साइड एक अच्छी मूव मिल सकती है, तो हमारा वहां पर ध्यान रहेगा उस मूव को कैप्चर करना। छोटी मोटी 50-100 पॉइंट की रेंज पकड़ ली वो डिफरेंट मैटर है, बट बड़ी मूव्स को हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है उन मूव्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि असली पैसा वहीं पर बनता है। बट अगर मैं इमीडिएटली कल के लिए लेवल्स की बात करूं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है 19,780 के लेवल के नीचे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर हमारे पास पहला टारगेट 750 और 700 तक के लेवल खुल जाते हैं। ये हमारे लिए इमीडिएट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। 700 हमारे लिए इमीडिएट स्पोर्ट रहने वाला है, जहां से हमें एक बाउंस की भी उम्मीद रहेगी, बट हमारा स्टॉप लॉस किसी भी जगह पर 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस यही हमारे पास रहने वाला है 880 से 900 की रेंज। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तब हमें एक बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन रहेगी, अदरवाइज यहीं से ही हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए, बट जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।